हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जसकतन किशन फिर से आपको स्वागत करता हूँ जेके राइडर में। दोस्त, मैं आज मेरा जो एनफील्ड है क्लासिक का, उसका मैं सीट को चेंज करने वाला हूँ। मतलब अभी धूप का टाइम आ रहा है, तो इसलिए जैसे हम लोग को धूप होता है तो थोड़ा लॉन्ग ड्राइव करने से नीचे पानी पानी हो जाता है, तो वही पानी के जल थोड़ा कंफर्ट नहीं होता है ड्राइव करने के लिए। तो इसलिए मैं आज प्लान किया हूँ कि मेरा सीट को लेके उसको ऊपर में नेट पूरा रिपेयरिंग करूँगा। तो देखते हैं, मेरा सीट को हम खोल लिए हैं, ये सीट में खोल लिया हूँ। इसको लेके इसका ऊपर में पूरा नेट का रिपेयरिंग करेंगे। तो ये थोड़ा धूप में बहुत अच्छा लगता है चलाने में। तो चलिए, तो फ्रेंड्स ये मैं जो दिखा रहा था कि मेरा सीट अभी पूरा नेट रिफिलिंग हो गया है। ये देखिए, पूरा इस साइड में ये देखे, इसको हम बोल रहा था उसको कि एक्चुअली इसमें पेस्ट करने के लिए, लेकिन वो जो बहुत अच्छा ही बना है, वो बोला कि नहीं इसको हम रस्सी वाला लगा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये अभी धूप में चलाने के लिए बहुत ही मज़ा आएगा। एक्चुअली मैं क्या हुआ था ना, ये जो सीट, ये जो 500 में आता है, एलिट्रा में जो आता है, इसको एक्चुअली मैं लगाया था क्योंकि इसमें थोड़ा ड्राइविंग मतलब अच्छा लगता है लॉन्ग जर्नी के लिए। इसको मैं क्लासिक में लगवाया था, लेकिन इसमें थोड़ा इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि इसका जो सिटिंग पोजीशन है वो थोड़ा सा आपको लग रहा है, जो मैं 4 फीट 5 फीट 4 इंच का हूँ, तो इसमें जो सिटिंग पोजीशन है थोड़ा सा आगे बैठने से अच्छा लगता है, लेकिन इसका यहाँ तक बैठने से इसमें थोड़ा कम्फर्ट अच्छा मिलता था। क्योंकि इसको हम लगाया था, मतलब जो इंस्पायर हुआ था, हम पिछले बार जब लद्दाख का टूर में था तो उस टाइम में हम यही वाला एलिट्रा में ही पूरा जर्नी किया था, तो उसमें बहुत अच्छा कम्फर्ट हुआ था, इसीलिए मैं इसको लगवा था। लेकिन क्लासिक में ये थोड़ा सा इतना फिट नहीं है, तो ये मैं कल तो फिर से मैं सोचा कि दोनों को फिर से लगवा लो मेरा पुराना का। तो सोचा अभी थोड़ा तो का टाइम है तो इसको रिपेयर कर लेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा जर्नी करने में, तो इसको मैं लेके आया हूँ और अभी जाएंगे गैरेज में इसको फिट कर लेंगे।